एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। और ये जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर से काफी अलग है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जब स्क्रू ड्राइवर आप यूज करते हो तो लगे रहते हैं भाई इसको घुमाने में, मतलब ठीक है घुमा सकते हो, घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई इस तरह के स्क्रू ड्राइवर को अगर आप यूज करते हो तो भाई बहुत ही टाइम बचता है। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आता है ब्लैक एंड डेकर की तरफ से, और भाई काफी अच्छी कंपनी है। और उसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, काफी सॉलिड सा स्क्रू ड्राइवर है। और उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ आपको एक बटन दिया गया है, और ये जो बटन है आपके किस डायरेक्शन में आपको जो स्क्रू निकालना है या फिर लगाना है तो वो यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर लगाने के लिए आपको ये बटन दबाना है, और यहाँ पर ये ऑन हो जाता है, और निकालने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना है। और ऑब्वियसली ये एक बैटरी ऑपरेटेड स्क्रू ड्राइवर है, तो आपको इसमें बैटरी डालनी होगी। तो पीछे से मैं कुछ इस तरह से अगर ओपन करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर चार डबल बैटरीज है, आप इसमें लगा सकते हो। आप जो रिचार्जेबल बैटरी रहती है मैं बोलूँगा कि वो यूज करो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बैटरी की लाइफ है वो काफी टाइम तक चल जाती है। आई थिंक मैंने पिछले 6 महीने से इसमें बैटरी चेंज नहीं करी, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो एक पावर लिखा है और दूसरा लिखा है मैनुअल। तो जब आपको इसको बैटरी पे यूज करना है तो आप इसको पावर पे रख के यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको अगर आप रोटेट कर दोगे तो अब यहाँ पर ये मैनुअल हो गया, तो नॉर्मली अब ये बटन काम नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है स्क्रू वगैरह बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, तो यहाँ पर आप मैनुअल पे करके इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद ये जो स्क्रू ड्राइवर है कुछ इस तरह से इसके जो बिट्स वगैरह रहते हैं उसके साथ आते हैं, तो यहाँ पर टोटल मिला के 14 बिट्स हैं। और किसी को भी अगर आपको यूज करना है तो आप इसको इस तरह से निकाल लो, और यहाँ पर इसके आगे इस तरह से आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको कोई भी स्क्रू लगाना है निकालना है तो ऑब्वियसली काफी इजी तरीके से आप इसको लगा सकते हो निकाल सकते हो।